हेलो स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल मोसन एक्सप्लेन जी मेडिसिन नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर इलेवन इंडिया वाटर रिसोर्सेज सब्जेक्ट सोशल साइंस स्टैंडर्ड टेंथ ना इस वीडियो में हम लोग दो क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो कि हमारा थर्ड वन है आंसर इन ब्रीफ नंबर वन स्टेट द यूज ऑफ ग्राउंड वाटर एंड नंबर टू विच फैक्टर शुड बी कंसिडर फॉर वाटर मैनेजमेंट अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो है यूज ऑफ ग्राउंड वाटर हम लोग ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कैसे किस किस तरीके से करते हैं सबसे ज्यादा तो हम लोग ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल डोमेस्टिक ड्रिंकिंग में डोमेस्टिक यूज यानी घर के कामकाज में इंडस्ट्रीज में खेती बाड़ी के लिए और इन क्लियरिंग द वेस्ट कचरा रोड साफ करने के लिए घर धोने के लिए इस सब इट इज एसेंशियल एंड इनवेटेबल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म और यह देखा जाए हमारे सभी जीव जंतुओं के लिए बहुत जरूरी है सो so, <coughs> so, ये क्वेश्चन यहीं पे एंड होता है मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट विच फैक्टर शुड बी कंसिडर फॉर वाटर मैनेजमेंट पानी को मैनेज पानी को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या क्या चीजों पे हमें ध्यान देना है सो नंबर वन आंसर बाय यूजिंग द वाटर इकोनॉमिकली एंड प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट कैन सेव अस फ्रॉम वाटर क्राइसिस अगर हम पानी को सोच समझ के मैनेज कर रहे हैं तो हम पानी की मुसीबत से दूर निकल सकते हैं इसके लिए हम क्या कर सकते हैं चले जानते हैं The water should be used economically to water the plant in the garden. हमें पानी का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं गार्डन में पानी देने के लिए डोमेस्टिक इस्तेमाल के लिए बर्तन धोने के लिए घर धोने के लिए यहाँ पे हमें पानी को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना है जैसे प्लांट आ, आ, बगीचे में पेड़ों को पानी देना गाड़ी धोना फॉर टेकिंग बाथ एंड इन द टॉयलेट एंड इन बाथरूम द वॉटर डूले प्योरीफाइड थ्रू वर्यस प्रोसेस शुड नॉट बी यूज फॉर सर्च पर्पज अब ये जो पानी होता है ना ये पानी को ना काफ़ी प्रोसेस किया जाता है काफ़ी खर्चा किया जाता है तो हमें इन सब चीज़ों में इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए सेकेंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट वाटर कंजर्वेशन हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए कि हमें वाटर कंजर्व क्यों करना चाहिए और पानी को हम कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं हमंग द पीपल इंक्लूड द कंसर्न पीपल और कंसर्न लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहिए नंबर नेक्स्ट रिजर्वर शुड बी सेड फ्रॉम पॉल्यूशन रिजर्वर को हमें पॉल्यूटेड होने से बचाना चाहिए बिकॉज इट टेक ईयर टू मेक अ डिसेंट रिजर्वर और ये सालों लग जाते हैं एक अच्छा रिजर्वर बनाने के लिए इज स्पॉइल्ड ड्यू टू पॉल्यूशन की वजह से खराब हो जाता है इफ पॉसिबल अटेम्प्ट शुड बी मेड टू री यूज दूस वॉटर और हमें ऐसा ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए कि जो पानी हम लोग ने जैसे गाड़ी धोने का पानी घर साफ किया है या फिर बर्तन धोने का पानी इसको हमें Uh, छोटा खोटा प्रोसेस करके हम इसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं कीप अ वॉच ऑन द यूनिट यूजिंग ग्राउंड वाटर हमारे ऐसे यूनिट पे हमें ध्यान रखना है जैसे फैक्ट्रियाँ हो गई कंपनियाँ हो गई जो ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रही हैं इंक्रीज द यूज ऑफ यूनिट ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग हमें ज्यादा से ज्यादा वाटर हार्वेस्टिंग प्रोसेस स्ट्रक्चर बनाने चाहिए जैसे वेल ट्यूब वेल खेत तलावड़ी एक्सेट्रा जिससे हम पानी को बचा सकें इंक्रीज द यूज ऑफ यूनिट ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर और हमें नेक्स्ट पॉइंट कीप द पाइप लाइन फिल्ड विद वाटर टू अवॉइड द पोल्यूशन इन द पाइप लाइन मैंट फॉर सप्लाई और हमें यहाँ पर अगर देखा जाए तो पाइप लाइन के अंदर देखा जाए तो हमें यह ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए जिससे पाइप लाइन जो होती है हमारी पानी की सप्लाई वो पोल्यूट हो एंड इन केस ऑफ एनी डैमेज अगर कहीं पर पाइप लाइन फूटी हो या टूट गई हो तो हमें उसको तुरंत रिपेयर इट इमिजिएटली सोट सो दैट देयर इज नो वाटर पोल्यूशन ताकि पानी बर्बाद ना हो फ्रॉम द डैमेज पोर्शन एंड वाटर डज नॉट फ्लो आउट सो so, इस तरीके से देखा जाए हम हम पानी को बर्बाद होने से हम बचा सकते हैं तो ये कुछ एक इकोनॉमिकली uh, रस्ते थे uh, जिससे हम वाटर को मैनेज कर सकते हैं और वाटर क्राइसिस की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं सो स्टूडेंट दिस क्वेश्चन एंड्स ओवर हियर इफ एन्य हैविंग एनी डाउट एनी क्वेरी दे कैन कमेंट मी इन बाई कमेंट कमेंट सेक्शन एलॉन्ग विद दिस इस चैप्टर के रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर भी मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं उन चैप्टर उन वीडियोज के लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी थैंक यू वेरी मच